Hello guys, welcome to the channel. In this video I am going to share important current affairs of 12th January. For PDF of this video आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे जाना है आपने, चैनल का नाम सर्च करना है, इन कैपिटल लेटर्स ज्वाइन करना है. PDF हमारे एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ पे भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप ऐप से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो. शुरुआत करता हूँ मैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. तो रोज़ की तरह सबसे पहले ये पांच क्वेश्चन, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं, तो आप इनको स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, इनके आंसर्स बताने की कोशिश करेंगे. इनके आंसर्स आप क्रॉस चेक भी कर पाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू आंसर बाई योर सेल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कोवेट डेट वॉज डीकमीशन्ड आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस. आप लोग जानते हो कोविड 19 वैक्सीन चिल्ड्रंस को भी लगाया जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि किस एज ग्रुप में ये वैक्सीन लगाई जा रही है, एंड कोशिश कर रहे हैं बताने की कि कौन सा वैक्सीन लगाया जा रहा है बच्चों को, 18 साल से कम के बच्चों को. हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इन्होंने इनॉग्रेट किया है ब्राह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो कहाँ पर किया है ये आप बताएंगे. नरेंद्र जोडी कोलेपन इंडियन ओरिजिन के हैं एंड इन्हें जज बनाया गया टू द हाईएस्ट जुडिशियल बेंच ऑफ विच नेशन, कंट्री बतानी है आपने. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, इस बुक के ऑथर का नाम बताएं. आंसर्स मिलेंगे एट द एंड, पहले कोशिश करो कि आप आंसर्स खुद करें. लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, केवाड़िया रेलवे स्टेशन इसका नाम बदला गया, इसका नाम बदल के रख दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन. तो आपको ये बताना है कि ये केवाड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ है जिसका नाम अभी रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा चेंज किया गया, एंड रेलवे मिनिस्टर तो आई होप सबको पता है हमारे अश्विनी वैष्णव. तो ये कौन सी स्टेट में है, ये है जी हमारा गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में. अब देखो एकता का क्या मतलब होता है, एकता अगर एक हिंदी वर्ड है, एकता का मतलब है यूनिटी. आप लोग जानते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ पे है, वो भी हमारा गुजरात में मिलेगा. सो इसलिए मिनिस्ट्री ने सोचा कि चलो इसका नाम एकता नगर ही रख देते हैं, क्योंकि उसी की ज्यूरिसडिक्शन उसी के अंडर आता है ये, तो इसका नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया. तो ये है जी इसका, आई होप आप समझ चुके हो. अब देखो एकता दिवस यानी कि यूनिटी डे कब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल यूनिटी डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर J&K के लिए तो फॉर श्योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, क्योंकि रेस्ट ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि आप लोग जानते हो 31 अक्टूबर को हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सेपरेट हुआ था ऑफिशियली इन टू डिफरेंट यूटीज. अब नेशनल यूनिटी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को हमारे इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिवस होता है, वो भी आप याद रखें, एंड इस रेलवे स्टेशन का नाम याद रखें जो गुजरात में है. आगे बढ़ते हैं, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, इसे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ये आपने बताना है. तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 11th जनवरी, यानी कि कल के दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया. एंड जनवरी एज ए होल मंथ इसे ऑब्जर्व किया जाता है एज द मंथ फॉर प्रमोटिंग द अवेयरनेस ऑफ द प्लाइट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स एंड प्रमोटिंग द प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स थ्रू एंटायर मंथ, यानी कि पूरा जनवरी मंथ इस डेट को यानी कि इस तरीके के इश्यूज़ के लिए हम अवेयर कर पाएँ, ऑब्जर्व भी किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है. अब देखो इंपॉर्टेंट डेज की बात आई, तो आज अब 12 जनवरी है, आज 12th जनवरी है, तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो आप लोगों को फॉर श्योर पता रहना चाहिए कि किस इंपॉर्टेंट डे की मैं बात कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बता सकते हो मैं किस डे की बात कर रहा हूँ. एट दी एंड मैं आपको आंसर बताऊंगा कि आज कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, एंड आई होप सभी स्टूडेंट आंसर कर सकते हो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है. आपके लिए स्पेशल ई बुक है, साल भर की करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलेगा जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के सभी एग्जाम्स के लिए, JKPSI फाइनेंस सब इंस्पेक्टर LIC SSC रेलवे वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, दिस इज द स्पेशल ई बुक जिसमें सारे करंट अफेयर्स आपको कंपाइल्ड मिल जाएंगे. लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें, बेनिफिशियल रहेगा. आगे बढ़ते हैं, रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ये रिलीज की जाएगी नवंबर मंथ में. अब इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको उनके ऑथर का नाम याद रखना है कि दिस बायोग्राफी इज पेंड बाय अ फॉर्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर डॉक्टर थॉमस मैथ्यू. तो ये नाम आप याद रखें, नवंबर मंथ में लाइक इसको रिलीज किया जाएगा.
आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ कमेटी फॉर्म्ड टू इंक्वायर सिक्योरिटी लैब्स ड्यूरिंग प्राइम नरेंद्र मोदी पंजाब विजिट. तो कमेटी बनाएगी, 3 मेंबर कमेटी, एंड उस कमेटी के हेड हैं सुधीर कुमार सक्सेना. सो इस कमेटी का नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, एंड जिसे लाइक फॉर्म किया गया. सिक्योरिटी लैब्स जो भी हुए हैं अभी आप लोग जानते हो जो भी पंजाब विजिट के दौरान, तो उसे पूरा देखने के लिए कि आखिरकार क्या चीज़ें थी जो भी है. इसमें 3 मेंबर कमेटी हैं, सुधीर कुमार सक्सेना सेक्रेटरी सिक्योरिटी कैबिनेट सेक्रेटरीट, उसके साथ इसमें बलबीर सिंह हिच जॉइंट डायरेक्टर हैं आईबी के, एंड सुरेश जी हैं ये हिच आईजी एसपीजी. ओके, तो ये आप याद रखें, 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर्स का नाम आप याद रखें. विच स्टेट सेलिब्रेटेड लो सॉन्ग नाम सॉन्ग फेस्टिवल भी हम इसे बोलते हैं. तो कौन से राज्य ने, कौन से स्टेट ने इसे सेलिब्रेट किया है? तो इसे सेलिब्रेट किया है जी हमारे सिक्किम द्वारा. देखो 18 लाइक इसे दिस डे सेलिब्रेटेड ऑन द 18th डे ऑफ द 10th मंथ ऑफ तिब्बतन लूनर कैलेंडर, एंड दिस डे आल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन सिक्किम. फेस्टिवल का नाम आप याद रखें, लो सॉन्ग और नाम सॉन्ग, एंड नॉट ओनली इंडिया, इसमें एंड सिक्किम में तो सेलिब्रेट किया ही जाता है इसको, इसमें इसको भूटान में भी सेलिब्रेट किया जाता है, नेपाल में भी ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं, लेजेंड लीग क्रिकेट LLC, लेजेंड क्रिकेट लीग, लाइक लेजेंड लीग क्रिकेट इसका LLC है शॉर्ट में. तो किसे एम्बेसडर बनाया ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम? तो इन्होंने चुना है जी हमारी फास्ट बॉलर जूलन गोस्वामी को. देखो लेजेंड्स लीग क्रिकेट ये शुरुआत भी होने वाली है, लाइक इसका इनॉग्रल सेशन, इनॉग्रल ये 20 जनवरी से शुरू होने वाला है, इसी मंथ ओमान क्रिकेट स्टेडियम में से इसकी शुरुआत भी की जाने वाली है. एंड इसमें बेसिकली इसमें प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं जो रिटायर क्रिकेटर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम को प्रमोट करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव को लेके LLC द्वारा इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए जो एम्बेसडर बनाए उनका नाम आपने जनरली याद रखना, जूलन गोस्वामी, ये आप याद रखें. 150 तो फर्स्ट एडिशन इनॉग्रल सेशन ओमान में हो रहा है, ये भी आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सतीश अधिगा हैज बीन सिलेक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR फॉर इट्स नेशनल अवार्ड. इन्हें सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड फॉर ICMR इन द रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इनका जो योगदान रहा इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है. नाम आप याद रखें, डॉक्टर सतीश अधिगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें. एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन टू द बोथ क्लिनिकल एंड IVF एंड फर्टिलिटी रिसर्च के लिए. भूपेंद्र कुमार यादव या भूपेंद्र यादव चेयर द 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. आपको बताना है इसमें हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, दिस इज द क्वेश्चन. सो इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारे ये मिनिस्टर भी हैं, नॉट एजुकेशन, हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी हैं. द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वॉन द स्कॉच अवार्ड इन द सिल्वर कैटेगरी फॉर इट्स वर्क्स टूवर्ड कॉम्बैटिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. तो ये सम्मानित किया गया बेसिकली स्कॉच अवार्ड, अभी रिसेंटली आपको याद होगा आसाम को भी सम्मानित किया गया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा काम करने के लिए, एंड नाउ इसमें फॉरेंसिक साइंस लेबॉरिटी को भी सम्मानित किया गया. दीपा वर्मा द डायरेक्टर ऑफ रोहिणी बेस्ड लैब हैज़ एक्सेप्टेड दिस अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस लैब. एंड बेसिकली फॉरेंसिक साइंस लेबॉरिटी के कंट्रीब्यूशन में के दौरान जो क्रिमिनल जस्टिस के दौरान यू नो फॉरेंसिक एविडेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एविडेंस तक पहुंचने के लिए वायलेंस अगेंस्ट क्राइम, ये बेसिकली वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन कैटेगरी में इसे सम्मानित किया गया क्योंकि फॉरेंसिक लैब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर लाइक कोई भी क्रिमिनल वगैरह जो भी एविडेंस वगैरह के लिए. ओके, तो ये सम्मानित किया गया, ये आप याद रखें, फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी. आगे बढ़ते हैं, एंड इसके साथ साथ आसाम पुलिस को भी सम्मानित किया गया, वॉन द स्कॉच अवार्ड फॉर द नॉवल चिल्ड्रन फ्रेंडली इनिशिएटिव जो अंडर शिशु मित्र प्रोग्राम के तहत. ऑन विच डे नेशनल यूथ डे, इस डे की बात कर रहा था मैं, तो आई होप अभी तक आपने आंसर जरूर किया होगा कमेंट में. नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी. इनका जन्म हुआ था 12th
जनवरी 1863 में. सो 12th जनवरी याद रखें. एंड थीम कल के दिन मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 11th जनवरी एंड इस टाइम प्रॉपर एग्जैक्टली थीम के बारे में अभी लाइक देयर आर लॉट ऑफ थीम. तो ऑफिशियल जो भी थीम होगा वो आपके साथ मैं कल शेयर कर दूंगा. सो डेट्स ऑल नाउ. इसके बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ. सो जो मिसाइल अभी रिसेंटली 32 ईयर्स ऑफ सर्विस रिटायर हुआ INS खोखरी. चिल्ड्रंस को वैक्सीन लग रहा है 15 से 18 के बिटवीन. एंड कौन सा वैक्सीन लग रहा है? कोवैक्सीन. हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ में रखा गया, इसकी नींव. नरेंद्र जोड़ी गोलेपन ये इंडियन ओरिजिन के हैं. ये जज बने हैं कहाँ के? साउथ अफ्रीका के. एंड द मॉग हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, इस बुक के ऑथर हैं शांतनु गुप्ता. सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके. गूगल डूडल ऑन 9th जनवरी पे ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर. तो आपको बता रहे हैं इनका क्या नाम था जिसने अभी रिसेंटली गूगल डूडल ने इनको एज ए ट्रिब्यूट पे किया था. आपको इन टीचर का नाम बताना कि इंडिया की हमारी फर्स्ट वुमेन टीचर कौन थी. सो गाइज विद दिस आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिविजन करवाया. उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना है. चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें. स्पेशल ई बुक का भी बेनिफिट उठाएं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून.